इंदौर जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाते हुए बीजेपी ने गांव की सरकार बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। जहां बीजेपी की रीना सतीश मालवीय जिला पंचायत अध्यक्ष बनी हैं, तो वहीं मंत्री तुलसी सिलावट और जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर इस ऐतिहासिक जीत के बाहुबली बनकर उभरे हैं। इंदौर जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर बीजेपी का कब्जा। इंदौर में गाँव की सरकार बनाने में कामयाब हुई बीजेपी। बीजेपी की रीना सतीश मालवीय बनी जिला पंचायत अध्यक्ष। मंत्री सिलावट और जिला अध्यक्ष सोनकर बने जीत के बाहुबली। इंदौर जिले की चारों जनपद के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी ने कब्जा जमाते हुए रीना सतीश मालवीय को जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाया है। जहां सावेर विधानसभा से आने वाली रीना सतीश मालवीय की जीत के साथ ही बीजेपी के अंत्योदय का स्वप्न भी साकार हुआ। वहीं बीजेपी की इस जीत में मंत्री तुलसी सिलावट और जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर का दम भी देखने को मिला। जहां मंत्री सिलावट और जिला अध्यक्ष सोनकर बीजेपी की इस जीत के बाहुबली बने। भारतीय जनता पार्टी जो भी करती है सोच समझ के बात करती है। मंथन के बाद अमृत निकल के आपके सामने आ गया। अध्यक्ष जी ने अमृत निकाल के आपको दे दिया। मैंने कहा ना कि राजेश जी सोनकर जी के नेतृत्व में चारों जनपद सावेर इंदौर देपालपुर उम्मऊ ये कांग्रेस मुक्त हो गई और जिले से भी कांग्रेस मुक्त आज जिला पंचायत। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी की रीना सतीश मालवीय को 17 में से 12 मत हासिल हुए। रीना के पति सतीश मालवीय को पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, मंत्री तुलसी सिलावट और जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर का करीबी भी माना जाता रहा है, और यही कारण रहा कि मंत्री सिलावट और जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर ने सतीश मालवीय को अब की बार सियासत का कलदार बना दिया। जनपद हो या फिर जिला पंचायत, दोनों ही जगह अध्यक्ष पद पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। वहीं इस जीत के लिए सतत जुटे मंत्री तुलसी सिलावट और जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर की मेहनत भी रंग लाई। निश्चित रूप से जब मंथन होता है तो अमृत निकलता ही, और भारतीय जनता पार्टी का तो हर कार्यकर्ता हमारा जो है 365 दिन काम करने वाला कार्यकर्ता है, जनता के बीच में खड़े रहने वाला कार्यकर्ता है। तो निश्चित रूप से मैं पहले दिन से ही बोल रहा था कि इस बार हम इंदौर को जो है कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, और आज हमने चारों जनपद जीतने के बाद इंदौर जिला भी हम जीतने की स्थिति कगार में खड़े हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता की हमारी मेहनत है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में इंदौर जिले के मतदाताओं ने अपनी विश्वास की मोहर लगाई है। भारतीय जनता के पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता जो हमारा, मैंने कहा कि 365 दिन जनता के बीच में काम करने का विश्वास करता है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के नेतृत्व आदरणीय शिवराज सिंह चौहान भारतीय और की सरकार की जो नीतियाँ हैं हमारी जनकल्याणकारी योजना का, और सीधा सीधा जो लाभ लोगों को मिल रहा है उस लाभ और विश्वास पर लोगों ने मोहर लगाया है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की, भारतीय जनता पार्टी संगठन में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है और इंदौर जिले के मतदाताओं की जीत है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाते हुए बीजेपी ने गांव की सरकार बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। जहां बीजेपी की रीना सतीश मालवीय जिला पंचायत अध्यक्ष बनी हैं, वहीं मंत्री तुलसी सिलावट और जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर इस ऐतिहासिक जीत के बाहुबली बनकर उभरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।